ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मानव है और ईश्वर ने मानव को बहुत खूबसूरत बनाया है। क्या हो जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी खूबसूरती। अगली बार इतनी मेहनत करनी है, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, मैं एकदम अचीव करके रहूँगा, मेडल लेके रहूँगा, क्योंकि वो एक क्रेज था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि सचिन व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा है। भाई मैं अपनी गेम की तैयारी कर रहा था, बट वो गेम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, आगे चला गया है, इसलिए मैं अब एक्टिव होऊंगा। और थोड़ा आज मैं कहीं स्पेशल जगह जा रहा हूँ, वो अभी तो बताऊँगा नहीं, लेकिन आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है। बाकी हम रेडी हो चुके हैं, मम्मी हो गई है रेडी और हमारे ये बैग पूरे रेडी कर लिए हैं। ये हमारा जिम बैग, इसमें हमारा खाने का प्रोटीन सब ले रखा है। दिखाओ मम्मी कैसी रेडी हुई है, क्या बात है, अच्छी लग रही है मम्मी। हाँ बोलो, अपने लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? आप कहाँ जा रहे हो, कुछ बताओगे या नहीं? बाद में बताओगे? बाद में बताएंगे। कब बताओगे? अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, पहुंचने के बाद। पहुंचने के बाद, चलो ठीक है, फिर मम्मी ने आपको बोल दिया। और रोहित, रोहित उसको और दिखा देता हूँ, रेडी हुआ है क्या नहीं हुआ। उसको बाद में दिखाएगी, थोड़ा सा शर्मिंदा टाइप का है, तो उसको बाद में लेंगे गाड़ी के अंदर। अभी हमारी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में बैठेंगे आराम से, फिर बताएंगे। भाई चल दिए हम दिल्ली। भाई भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, और ये हमारा रोहित रेडी है एकदम। रोहित हाय हाय तो कर दे यार, कर दियो। चलो भाई निकलते हैं। इतना ही बताया अभी तो, दिल्ली निकले हैं, लेकिन आगे का पता है नहीं, अभी बाद में बताएंगे, थोड़ी देर में वेट करो आप लोग। तो भाई थोड़ा ऐसा है कि जो भी चीजें होंगी आगे, हमारा एक इंटरव्यू होना है, ठीक है, सीधा बताता हूँ आपको, और पॉडकास्ट बोलते हैं ना, तो वो होगा, और जिनके साथ होना है उनसे आपको मिलवाऊंगा, और जो भी चीज़ें होंगी आपको प्रॉपर तरीके से शेयर की जाएगी, आप पूरी वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। फिलहाल तो हम दिल्ली पहुंच गए हैं और हमें द्वारका के लिए द्वारका नहीं, और अभी हमें जाना है भाई नोएडा, ठीक है, नोएडा जाके आपको वहाँ मिलते हैं। आगे जो भी बाकी जो भी वीडियो होगी आगे दिखाएंगे आपको, अभी तो आप बस व्यू देखो। ये मेन हाईवे है भाई, और पहुँचते हैं अब। कम से कम भी कितना टाइम दिखा रहा है इसमें लोकेशन में? एक घंटा और लगेगा पहुँचने के लिए। ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मानव है और ईश्वर ने मानव को बहुत खूबसूरत बनाया है। क्या हो जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी खूबसूरती, लेकिन क्या हो, जस्ट इमेजिन के अगर मैं बोलूँ एक सिंपल सी चीज़, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी भी दुर्घटनावश अगर आपकी सिर्फ उंगली की, हाथ की उंगली, ये छोटी उंगली, ये चली जाए, आई थिंक किसी भी चीज़ को होल्ड करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब कठिनाइयों से परे होते हैं, जो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपनी आशाओं को, उनकी उड़ान बहुत लंबी होती है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से
जो कि मेरे साथ हैं इस वक्त। और इसके साथ ही साथ मैं बोलना एक ही बात चाहूँगा कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है। तो आइए एक बार स्वागत करते हैं हमारे ऑल न्यू पॉडकास्ट चैनल बैठक जंक्शन में मिस्टर सचिन वर्मा। कैसे हैं सर? नमस्कार सर। यहाँ पे आने में कोई दिक्कत? नहीं सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। एक मैसेज दूंगा आपको, अगर आपकी ट्रेन छूट रही है तो आप छोड़ दो, ऐसा मत सोचो कि हाँ बस स्टार्ट ही हुई है इसमें अपन चढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ हादसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। तो भैया मैं पहले मुंबई शो खेला था जो मुंबई में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था 2022 में, वो मैंने फर्स्ट टाइम करा था। उसमें क्या हुआ, मेरी फोर्थ प्लेस आई, मेरे को वहाँ से लगा यार मैं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि वही बात है ना, अपन अब जितनी बार अपनी बॉडी को रगड़ोगे मतलब अचीव करेंगे। हाँ तो वो चीज़ मेरे साथ हुई कि वहाँ पे फोर्थ प्लेस, वहाँ पे टॉप फाइव सेलेक्ट करे थे, उसमें मेरा नाम आया, मेरे को वही खुशी हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगली बार इतनी मेहनत करनी है, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, मैं एकदम अचीव करके रहूँगा, मेडल लेके रहूँगा, क्योंकि वो एक क्रेज था, पागलपंती थी, जो जुनून की बात आ जाती है ना, वो फोर्थ प्लेस का नाम लेते ही आ गई थी। अब चाहे वहाँ पे मेरा मेडल कोई सा भी लगो, लेकिन हिम्मत मैंने करी। सो गाइस, जिनसे मेरे को मिलवाना था, ये है शिवम भैया और ये हमारे नूर भैया, जिनसे आपकी बातें चल रही थी थोड़ा व्लॉग में आपने देखा होगा। तो भैया मैं आपके साथ आया हूँ, क्या करने हैं वो चीज़ें आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊँगा अभी। भाई भैया ना बहुत दूर से आए हैं और सिर्फ अपने बारे में हमें बताने के लिए और आप सबको मोटिवेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ना आप ये देख लो, राजस्थान से आए हैं, एक साइड का 250 किलोमीटर से भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आप सबको मोटिवेट करने के लिए कि कभी भी अपने जीवन में या लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी, वर्क हार्ड, सफलता तो मिलेगी ना भाई। भैया के साथ मेरा आज प्रॉडकास्ट हुआ है और वो हमारा पूरा हो गया है, और बीच में हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हमने आके थोड़ा लेट हो गए थे, हमारा टाइमिंग फिक्स था पहले से 3 PM का ना, और उससे पहले जैसे हमने खाना भी खाया, मिले भी हैं, बहुत सी चीज़ें हुई है, तो वो एक घंटे में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाए हैं। सचिन थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास आए, इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप 250 किलोमीटर हमारे पास सिर्फ मिलने आओगे एक 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 दिन के लिए, ठीक है, इसकी सेंसिबल बात नहीं होती। अरे भैया आपने बुलाया तो देखो ऑब्वियसली आपने, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक भाई के नाते एक मतलब रिस्पेक्ट से कोई इंसान बुलाता है ना तो वहाँ जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ बस यार, लेकिन इतना मानता हूँ कि आपसे बात करके मुझे बस ये जरूर पता लग गया है कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो सब कहते हैं यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मैं जिम नहीं जा सकता कल से जाऊंगा, तो यार बंद करो ये सब बिल्कुल बकवास है, भाई से आके मिलो, जिसको अगर लगता है यार जिम नहीं जा सकता, एक बार इस भाई से मिल ले, मैं कसम से कह रहा हूँ वो जिम पहुंच जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। एंड एक बात और बता दूं, दैट कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? कंसिस्टेंसी से जाओगे तो एवरीथिंग व्हिच यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव इट, ओके। तो अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप भैया से एक बार मिल लीजिएगा जरूर, ठीक है, हमारे भाई से। एंड ब्रदर आप भी हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दो यार। देखो भैया इनका चैनल है बैठक जंक्शन है ना, तो आप लोग सब लोग जाके, मैं इनका मेंशन करूंगा इसमें, जाके लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरी वीडियो पूरी आएगी वहीं पे मिलेगी आपको, और आप जल्दी प्लीज जब भी मतलब वो वीडियो मिले तो आप पहले से सब्सक्राइब करके रखो ना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, ठीक है, एंड अपने दोस्तों में दो, फैमिलीज में भी दो, ठीक है, बस। और सचिन भैया से जल्दी मुलाकात करेंगे हम फिर से एक बार, और आपको लोगों को भी बहुत ज्यादा चीजों से रूबरू कराएंगे, इसी तरह से नए एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे, और सर बताऊँ तो ये काम करने में ना मुझे खुद एक्सपीरियंस मिलता है, इनफैक्ट मैं मोटिवेट हुआ, देखो मेरे को उधर की नहीं पता कि कैमरे के पीछे जितने लोग देख रहे होंगे वो लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैं जरूर हुआ। देखो भैया एक बंदा रियल लाइफ में मिलता है ना उसका अलग ही बहुत फर्क पड़ता है, और हमने सिर्फ रील स्वाइप आउट कर ली, वो एक चीज आती है तो कुछ देख रहे थे उसके उड़ जाती है दिमाग से, नहीं होती, लेकिन अपनी जो यादें अभी जो बॉन्डिंग बनी है ना वो शायद अपनी कोर पे नहीं बनती, हाँ नहीं 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 बनती, बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा मुझे लाइक ये लगा था कि यार लेकिन फिर जब पता लगा नहीं उनके अचीवमेंट देखे प्रॉपर तरीके से नहीं बताया था, जब मैंने प्रोफाइल देखा कुछ सब सब कुछ देखा, अच्छा नहीं बनता यार इतना मोट इतना डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए कि लाइक अब वो पेपर भी देगा एग्जाम भी देगा उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है,
तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, आज का इवेंट था, मैं कहा स्विच करो किसी और को दे दूंगा। इनफैक्ट पॉडकास्ट से ज्यादा यू वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी दिस टाइम, आप ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। हमारी मम्मी को ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसने बुलाया है। मम्मी को बिल्कुल नहीं पता था ना कि आपके भी अपनी बेटी की ही तरह ट्रीट करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। सर पे हाथ रखते हुए दुआएं होनी चाहिए एकदम, ठीक है। मम्मी आ गई रेस्टोरेंट में खाने के लिए, कुछ नहीं खाएगी, खा लेना मम्मी। ये हमारा रोहित बैठा है भाई, और उधर भैया ऑर्डर लेके आ रहे हैं, खाते हैं फिर चलते हैं। कौन सी जगह है भैया? एक नाटली है अभी सब आए भैया ने बोला कि चलो घूम के आते हैं, तो थोड़ा घूमने के लिए आ गए हैं, और घूमना भी ज़रूरी है। मम्मी बताओ क्या खाओगी? चाय पिएगी मम्मी। मम्मी का सर दुख रहा है, मम्मी थक गई है। अब थक गई मम्मी? नहीं। क्यों थक गई हो लग रहा है मेरे को। चले फिर वापस चले, अभी घूम के जाएंगे। ये तो कभी नहीं सकता, बता। ये बोलता भी नहीं है भैया, ब्लॉग बना तो पहले ये सपोर्ट नहीं करता मेरे को, यही तो सपोर्ट करना होता है। अगर अपन ब्लॉग बना रहे हैं तो कुछ बातें करनी होती है आपस में, वो नहीं करता बिल्कुल। मम्मी करती है भाई, मम्मी करती। हाँ।